My name is Tuti and today we will going to discuss 3 input and 4 input XNOR gate. In last video you have seen that we have discussed 3 input 4 input XOR gate. So usme uska bhi logic aur iska bhi logic same hai, but aapko ye pata hai ki XNOR jo hai wo XOR ka complemented part hai. So let's start with the video. इसमें भी हमने ये 3 इनपुट XNOR गेट को इसलिए लिया है क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है इनके ट्रुथ टेबल बनाने के लिए. तो बेसिकली वी आर बिल्डिंग अ ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट XNOR एंड XOR गेट. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बता रहा है, क्या बोल रहा है, द आउटपुट इज हाई इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर वन. सो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जब अगर हमारे इवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होंगे, इनपुट्स में इवन नंबर ऑफ वन होंगे, तभी हमारा आउटपुट हाई होगा. तो XNOR को हमने XNOR की जो बेसिक वीडियो देखी थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर क्रॉस चेक करिएगा तो और क्लियर हो जाएगी पॉइंट्स. तो उसमें हमने ये बात भी डिस्कस करी थी कि XNOR जो है इवन वन डिटेक्टर की तरह वर्क करता है. सो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू दी XOR. XOR ऑड वन की तरह ऑड वन डिटेक्टर की तरह वर्क कर रहा था, ये इवन वन डिटेक्टर की तरह वर्क कर रहा है. सो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वही XOR के तरीके से, बट उसको कॉम्प्लीमेंट यहाँ कर देते हैं. तो दिस बिकम्स दी XNOR गेट. लाओ लेट्स स्टार्ट फिल दी दिस ट्रुथ टेबल फॉर दी XNOR गेट. सो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, इवन नंबर ऑफ वंस. सो अभी हमारे इनपुट में क्या है, 3 0 हैं. 3 0 है मीन्स नंबर ऑफ वंस इज 0. नंबर ऑफ वन इज 0 मीन्स 0 इज एन इवन नंबर, सो द आउटपुट इज 1. अब यहाँ पे हम देखते हैं देयर इनपुट हमारा क्या है, ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 हो गया. फिर यहाँ पे देखिए आप 0 1 0, द आउटपुट ओनली 1 1 इज देयर मींस ऑड, देन आउटपुट इज 0. नाउ सी 1 0 1 1, तो 0 1 1 है मतलब 2 इनपुट्स, इवन इनपुट्स आर 1, देन फिर 1 हो गया हमारा आउटपुट. यहाँ पे 1 0 0 मीन्स ऑड 0, 1 0 1 मीन्स इवन, तो इवन है तो 1 आ गया हमारा. फिर अब यहाँ पे हम देखें 1 1 1 1 0 1 1 0 मीन्स इवन, इवन मीन्स हमारा क्या आउटपुट हो गया, इनपुट क्या, आउटपुट क्या हो गया हमारा 1, यहाँ पे 1 था हमारा. तो 1 0 1 का भी आउटपुट हमारा क्या कहते हैं 1 था. नाउ 1 1 0 का भी आउटपुट इज 1 बिकॉज इट इज़ इवन. नाउ कमिंग हियर, देर आर 3 नंबर्स ऑफ इनपुट एंड ऑल आर 1 मीन्स 0 बिकॉज इट इज़ ऑड. तो जहाँ जहाँ इवन आया हमने वहाँ वहाँ आउटपुट 1 कर दिया, और जैसे ही जहाँ पे ऑड दिखा हमने वहाँ आउटपुट 0 कर दिया. तो दिस इज़ द वे वी विल गोइंग टू फिल द XNOR टेबल, एंड दिस इज़ द वे हाउ XNOR works with the 3 input variables. Now let's see the 4 input XNOR gate. So same logic hai, wahi cheez ki isme 16 variables hai, so we have already filled the table here, just we will going to see it ki how it is working. So coming to the first point, first inputs, that is 0 0 0, first combinations, that is 0 0 0. तो इसमें हमारा इवन नंबर ऑफ 1 हुआ, मींस 0 1 है मींस इवन, दैट इज़ 1. नाउ इसके अंदर हमारा ऑड 1 है, देन इट इज़ 0. इसके अंदर अगर आप देखिए इस कॉम्बिनेशन में 0 0 1 0 के अंदर हमारे ऑड 1s हैं, तो मींस आउटपुट इज़ हमारा 0. नाउ इसके अंदर 0 0 1 1 मींस 0 0 1 1, तो इवन हो गया, इवन होती 1. फिर इसमें ऑड है तो 0, इवन है तो 1, इवन है तो 1. Now coming here, see here, even है तो 1. Now in this the input is 0 1 1 1 means odd, odd तो output हमारा 0. इसमें भी odd है, output 0. इसमें even तो हमारा output क्या हो गया, 1 हो गया. इसमें even हुआ, हमारा output 1 हो गया. अब इसमें देखते हैं 1 0 1 1 means input is input variables are even. सॉरी, इनपुट वेरिएबल्स आर ऑड, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 0. नाउ इन द नेक्स्ट सी द इनपुट वेरिएबल्स आर इवन, तो अगेन हमारा 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये अपना 0 था. फिर इसके अंदर आप देखिए ऑड है 0, इवन है,
इवन है जीरो, एंड लास्ट ऑप्शन जो है अपना फोर वेरिएबल्स हैं, फोर वेरिएबल्स के अंदर चारों इनपुट हमारे वन है, मीन्स दैट इज इवन, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, वन. सो दिस इज दी ट्रुथ टेबल फॉर फोर इनपुट XNOR गेट. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर एंड आई होप यू कैन, यू ऑल कैन बिल्ड दिस टेबल नाउ. थैंक यू फॉर दिस वीडियो.